और एक हम स्टूडेंट्स आज लेक्चर नंबर 30 में हम आगे के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो भाई पिछला लेक्चर 29 जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, किंगडम सिस्टम्स के बारे में बताया था, फाइलम किस तरह से लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन बताई, और फिर उसके बाद आपको बताया साइंटिफिक नेम्स कैसे देते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर तक आपको सिखा दी थी। तो भाई मुझे उम्मीद है कि वहाँ तक की सारी बात सब कुछ अच्छी तरह से सब समझ में आ गई होगी। आज जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है 2 to 5 किंगडम सिस्टम। जब ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहले जो है ये लगता था कि दुनिया में दो ही तरह की के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो दो किंगडम बनाए गए, दो डोमेन बनाए गए, एक को रखा गया एनिमल्स में, एक को रखा गया प्लांट्स में। फिर बाद में माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से और भी फर्दर डिस्कवरी से पता लगा कि भाई नहीं, दुनिया में सिर्फ दो तरह के किंगडम्स नहीं होते, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, बल्कि देर आर वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था, एक टैक्सोनॉमिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर। उसने क्लासिफिकेशन पे काफी खासा काम किया। ये देखा कि कितने ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज को देखी, और इस बिहाफ पे, उनके न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, उनके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, डिफरेंट टाइप्स पे उसने 5 किंगडम का सिस्टम बनाया। सही, उन 5 किंगडम के नाम थे, नंबर 1 किंगडम मोनेरा। यह इस किंगडम मोनेरा को किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं। सही है, इसमें इसको किंगडम प्रोकैरियोटा भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स। आपको अच्छी तरह से पता है, पिछला लेक्चर जो आपको मिला था चैप्टर नंबर 4 उसमें बताया था मैंने कि प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यानी जिसमें कोई डिस्टिंक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बाउंड्री नहीं होती, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। सही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनकी वेरिएबल होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरिएबल। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि भाई वो उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक्स भी होते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं, वेरियस मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनमें प्रेजेंट होती है। सही है, सारे के सारे कैसे हैं, ऑब्वियसली प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरिएबल। प्रोकैरियोट कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता। सही है, तो ऑब्वियसली इसमें सारे के सारे कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। ठीक है भाई, एग्जाम्पल क्या है इसकी, इसकी एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसकी एग्जाम्पल्स में है। सही है, जो सेकंड किंगडम बनाया उसका नाम दिया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। सही है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या किया गया, सारे यूकैरियोट्स थे, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में किंगडम प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में कैसे हैं, तो सारे किंगडम में कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। सही है, सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, यूनिसेलुलर हैं। सही है, यूनिसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पे भी वेरिएबल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस पे वेरिएबल है। कैसे भाई, ऑटोट्रॉफिक्स भी हैं,
हेटरोट्रॉफिक्स भी हैं। इसकी एग्जांपल्स में क्या क्या है, इसकी एग्जांपल में जितने भी एलजी हैं यूनिसेलुलर एलजी हैं वो सबको इसमें रखा गया। एलजी जो है यूनिसेलुलर भी होता है मल्टीसेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर एलजी को इस पे रखा गया। इसके अलावा अमीबा, जितने भी प्रोटोजोअन्स हैं यानी प्रोटोजोअन जितने भी हैं उन सबको इस किंगडम में रखा गया। सही है, अच्छा भाई। फिर उसके बाद तीसरा जो किंगडम है वो बनाया गया किंगडम फंजाई। सही है, किंगडम फंजाई को बनाया गया। अब इस किंगडम फंजाई में क्या क्या चीजें हैं, किंगडम फंजाई में हमारे पास सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। बिल्कुल यूकैरियोटिक मैंने पहले ही बता दिया, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के अलावा सब में यूकैरियोटिक है। हेटरोट्रोप्स होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हैट्रोट्रोप्स, लेकिन कौन से हेटरोट्रोप, एब्जॉर्प्टिव। एब्जॉर्प्टिव का मतलब है इनमें डाइजेशन नहीं हो सकती, ये फूड को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सही है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सही है, एग्जांपल में इनकी क्या है, मशरूम्स हैं, सारे फंजाई है मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स ईटीसी। सही है, जो चौथा किंगडम बनाया वो था वन ऑफ द लार्जेस्ट किंगडम, किंगडम प्लांटी। किंगडम एनिमिलिया सबसे लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्ज किंगडम प्लांटी बनाया गया। किंगडम प्लांटी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यूकैरियोटिक है सबके सब। सही है, सारे के सारे ऑटोट्रोफ्स हैं। सही है, और क्लोरोफिल्स हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोफिल है जब भी तो ऑटोट्रोफ्स हैं, और सेल वॉल प्रेजेंट है। सही है, सेल वॉल प्रेजेंट है। इनकी एग्जांपल्स में क्या क्या है, एग्जांपल में हमारे पास ऑल प्लांट्स, जितने प्लांट्स हैं वो सारे, और जितने मल्टी सेलुलर एलजी हैं, मल्टी सेलुलर एलजी वो सब किंगडम प्लांटी में रखे गए। फिफ्थ जो किंगडम बनाया गया पांचवा वो था किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, सारे के सारे यूकैरियोटिक थे। सही है, सारे के सारे कैसे थे, यूकैरियोटिक थे, मल्टी सेलुलर थे और हेटरोट्रोफ्स थे। हेटरोट्रोफ बट ये एब्जॉर्प्टिव नहीं होते, एब्जॉर्प्शन नहीं करते, बल्कि कैसे होते हैं, इंजेस्टिव होते हैं। इंजेस्टिव का मतलब है ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं, खाते हैं, खेला ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। सही है, नॉन क्लोरोफाइलस होते हैं, कोई क्लोरोफिल नहीं होता। और उसके साथ नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होता। सही है, एग्जांपल में जितने भी एनिमल्स हैं वो सब के सब इसमें आ रहे हैं। एग्जांपल ऑल एनिमल्स। सही है, ये थी किसकी स्कीम, ये थी रॉबर्ट विटेकर की स्कीम। अच्छा भाई, अब इसने ये बहुत अपना फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दे दी जिसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया गया, पूरी दुनिया में इस पांच किंगडम वाले सिस्टम को माना गया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। सही है, वो ड्रॉबैक्स क्या थे भाई, देखो सबसे पहली चीज, इसने प्रोटिस्टा बनाया, बट थिंग इज दैट यहाँ पे इसने गलती कर दी कि भाई एलजी जो थे उसको दो ग्रुप्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया। यूनिसेलुलर एलजी को रख दिया प्रोटिस्टा में और मल्टीसेलुलर एलजी को रख दिया प्लांटी में। सही है, यूनिसेलुलर एलजी को प्रोटिस्टा में रख दिया, मल्टीसेलुलर एलजी को प्लांटी में रख दिया, ये इसकी गलती थी। अब अच्छा भाई, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में फर्क सिर्फ ये है कि भाई देखो
सिर्फ सेल का फर्क है कि भाई यूनिसेलुलर इसमें सिर्फ एक सेल से बना होता है, वो मल्टी सेलुलर, बट एनिमल प्लांट में और एलजी में बहुत सारे फर्क हैं। इन सारे डिफरेंस को स्टिल इग्नोर करके इन्होंने क्या किया, मल्टी सेलुलर को अलग कर दिया, प्लांट में डाल दिया और यूनिसेलुलर को यहाँ पर डाल दिया। ये इनकी गलती थी, ये उनका ड्रॉबैक था, सही है, जिसकी वजह से फिर उसके बाद इस किंगडम को रिजेक्ट तो नहीं किया गया, बट यहाँ पर एक गलती तो आ गई थी। तो अब इसके लिए क्या किया गया, दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मार्गलिस एंड स्किविट्स, सही है, मार्गलिस एंड स्किविट्स। इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने एक नया किंगडम बनाया, मार्गलिस एंड स्किविट्स ने। इन्होंने क्या किया, इसकी गलती को दुरुस्त किया। इन्होंने बोला कि भाई इसका सारा काम तो ठीक है, सही है, इसने सारे काम सही किए, क्लासिफिकेशन की है अच्छी, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन ग्लोबली एक्सेप्ट हो चुकी थी, वाइड थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग इसकी क्लासिफिकेशन को मानने लगे थे। बट स्टिल ये जो ड्रॉबैक आया था, इसकी वजह से कभी भी कोई गलती हो जाती है तो उस पर फिर इफेक्ट पड़ जाता है इसके काम पे। तो मार्गलिस एंड स्किविट्स ने क्या किया, इसके काम को दुरुस्त किया। क्या किया उन्होंने, मल्टी सेलुलर एलजी और यूनिसेलुलर एलजी पे थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया। इन्होंने देखा कि भाई आखिर क्या मल्टी सेलुलर एलजी और यूनिसेलुलर एलजी में सिमिलैरिटी ज़्यादा है या मल्टी सेलुलर एलजी और प्लांट में सिमिलैरिटी ज़्यादा है, सही है, इन चीज़ों को देखा। फिर देखा डिफरेंसेस ज़्यादा किस में है, इन दोनों में डिफरेंस ज़्यादा है या प्लांट और मल्टी सेलुलर एलजी में डिफरेंस ज़्यादा है। तो इस बिहाफ पे, इन चीज़ों के बिहाफ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिफरेंशिएट कर दिया, सही है, इन्होंने अलग पांच किंगडम बनाए, सही है, इन्होंने मतलब किंगडम्स तो यही वाले थे, इन्होंने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया। क्या किया कि ये जो है मल्टी सेलुलर एलजी को उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया, सही है, और फिर इस प्रोटिस्टा का नाम हो गया प्रोटोक्टिस्टा, सही है। अच्छा, अब इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी रहने लगे, और जितने यूनिसेलुलर एनिमल्स थे उन सबको उठाकर भी यहां पर डाल दिया, जितने प्रोटोजोन्स थे सब। बट हुआ ये कि इसकी वजह से ये जो प्रोटोक्टिस्टा एक ऐसा किंगडम बन गया जिसमें हर तरह की वैरायटी मौजूद थी, मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर एक जैसी नहीं थी। तो उसकी वजह से फिर उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन में चेंजेस आ गई। भाई देखो इसकी डेफिनेशन तो यही है, बट इसको कहा गया प्रोटोक्टिस्टा में जो किसी किंगडम में क्लासीफाई नहीं हो सकता कोई भी ऑर्गेनिज्म, अगर वो यूकैरियोटिक है, सही है, और किसी भी दूसरे किंगडम्स में जो फंजाए प्लांटी और एनिमल, ना फंजाए जैसा हो ना एनिमल जैसा हो ना प्लांटी जैसा हो, तो इनको कहाँ रखा जाता है, प्रोटोक्टिस्टा में रखा जाता है, सही। तो ये इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब जितने भी और ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखते हैं पहले देखा जाता है कि उसकी कैरेक्टर से किससे मैच कर रही है, अगर वो फंजाए से मैच कर रही है तो फंजाए में रख दिया, बट अगर कोई डिफरेंस निकल आया फंजाए जैसा भी है एनिमल जैसा भी है प्लांट जैसा भी है तो उसको फिर किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रखा जाता है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें इन्होंने की, यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट किया और फिर उसको यहाँ पर रख दिया। अब आपके पास दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव किंगडम स्कीम को डिफाइन करो तो आप मार्गुलस एंड स्किविट्स वाला ही डिफाइन करोगे। क्या क्या चीज़ें लिखोगे मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आपके पास नोट्स मौजूद हैं, आपके पास बुक मौजूद है, उससे देखकर करना है। किंगडम मोनेरा में क्या लिखोगे कि भाई ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनकी वेरिएबल होती है, और फिर उसके बाद ऑटोट्रॉफिक भी होता है, सेप्रोट्रॉफिक भी होता है, सारे यूनिसेलुलर होंगे और कैसे होंगे, इनकी एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, सही है। प्रोटोक्टिस्टा में आओगे क्या लिखोगे, यूकैरियोटिक है ऑल दोज एनिमल विच कैन नॉट बी क्लासिफाइड आइदर फंजाई प्लांटी और किंगडम एनिमीरिया इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, यानी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म जब किसी भी किंगडम में क्लासिफाई नहीं हो सकता वो यहाँ पर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल में एलजी है, प्रोटोजोअन्स है, अमीबा, ये सारे इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे, सही है। फंजाई में आओगे और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे, यूकैरियोटिक, हेटरोट्रॉफ, सेल वॉल, नॉन क्लोरोफाइलस। अब यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन ये आती है कि फंजाई क्या है, फंजाई में फंजाई भी यूकैरियोटिक है, हेटरोट्रॉफिक है, सेल वॉल भी है इसमें, क्लोरोफिलस भी है, इसको प्लांट में क्यों नहीं रखा गया, थिंग इज दैट प्लांट में इसलिए नहीं रखा गया हेटरोट्रॉफ है, सही है,
तो भाई एनिमल में क्यों नहीं लिखा गया, एनिमल में इसलिए नहीं रखा गया सेल वॉल मौजूद है। अब ये भी तो ना प्लांट जैसा है ना एनिमल जैसा है, तो उसको प्रोटोक्टिस्टा में क्यों नहीं रखा गया, सही है, ये एक क्वेश्चन आता है आपके जहन में आना चाहिए। तो थिंग इज दैट कि इसको इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसके अंदर एक इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है, इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होती है। इसकी बॉडी को कहते हैं माइसीलियम, सही है, इसकी बॉडी को माइसीलियम कहते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज सेल जिसको हम हाइफा कहते हैं उससे बना होता है, एक थ्रेड लाइक सेल होता है जिसको हम हाइफा कहते हैं, थ्रेड लाइक होता है और सिनोसिटिक होता है। कैसा होता है हाइफा? थ्रेड लाइक, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं ताकि यहां पे डिफरेंशिएट, ब्लैक से लिख देता हूं, थ्रेड लाइक होता है और सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब क्या है? थ्रेड लाइक तो समझ में आ गया होगा धागे की तरह, सिनोसिटिक का मतलब है जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, वो सिनोसिटिक है, सही है। तो इस तरह का सेल होता है हाइफा। अच्छा भाई, तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ना फंजाई की, जो किसी में नहीं है, तो दैट्स वाई इसका एक अलग किंगडम बनाया गया, किंगडम फंजाई के नाम से, सही है। अच्छा भाई, अगर इस पर ये स्पेसिफिक किंगडम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती तो उसको भी प्रोटोक्टिस्टा में रखा जाता। प्लांटी में यही सारी बातें लिखोगे, सेल वॉल होता है, क्लोरोफिलस होता है, और इसके अंदर प्लांट की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर सकता है, प्रोटेक्ट इट्स एम्ब्रियो, पहले बताया हुआ है मैंने, एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब ये होता है कि वाटर की डेफिशिएंसी की वजह से अगर कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो डेसिकेशन कहलाती है। अपने एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करके रखता है। जितने भी प्लांट है, मल्टी सेलुलर एल्जी को हटा देना है यहाँ से, जितने भी प्लांट है, एप्पल प्लांट, मैंगो प्लांट, ट्री, जो भी है, वो सब इसमें आते हैं। एनिमल में क्या, एनिमल की भी यही कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करोगे, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर होता है, हेटरोट्रोफ होता है, इंजेस्टिव होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है, सही है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करोगे, और एग्जांपल्स में जितने भी एनिमल्स है, कोई भी दो तीन एनिमल्स के नाम आप लिख दोगे, ठीक है भाई, ये चीज़ें। अब अगर आपसे पूछा जाए फाइव किंगडम्स को बताओ, तो आप मार्गुलिस एंड स्कीवर्ट्स वाले किंगडम्स बताओगे। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं विटेकर वाले किंगडम्स बताओ, तो आप विटेकर वाले बताओगे। सम टाइम आता है कि भाई विटेकर ने गलती क्या की थी, ये चीज़ें आपने डिफाइन करनी है, ठीक है भाई बच्चों। तो आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये हमारी क्लासिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब हम इसके ऊपर चैप्टर्स पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा का चैप्टर है, प्रोटोक्टिस्टा का चैप्टर है पूरा, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमिलिया का, यानी 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी किंगडम्स के चैप्टर्स हैं हमारे पास। अब जो है इस चैप्टर में हमारे पास एक टॉपिक रह गया, बड़ा टॉपिक है वो वायरसेस का, उससे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी बनते हैं, डायग्राम भी आती है, सही है। तो वायरस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, नेक्स्ट वीडियो से उसको स्टार्ट करेंगे। आई डू होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।